वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल है ना। चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है? 11th, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है अपने को ना, कौन कौन से मेथड थे। सबसे पहले अपन देख चुके थे फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से आपके पास तीन मेथड आते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सेकेंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एंड थर्ड इज हाइड्रोबोरेशन है ना। उसके बाद अपन देख रहे थे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है वो मैंने आपको बताया था कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नॉन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, RMGX। RMGX के नेचर की अगर अपन बच्चों बात करते हैं, इसकी नेचर क्या होती है, तो RMGX में अल्काइल ग्रुप पे तो कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव। और MGX पे कौन सा चार्ज रहता है आपके पास? पॉजिटिव। अल्काइल ग्रुप पे कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव। और MGX पे कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। आप देखो RMGX से आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हो। RMGX की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? कि RMGX की रिएक्शन अगर अपन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाते, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाते हैं कि सर व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड का मीनिंग क्या हो गया, मींस एल्डिहाइड और कीटोन, ये आपके पास क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या GR से करवाने पर अपने को क्या मिलता है, अल्कोहल है ना, अपने को क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो एक बात बताइए, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लोगे, अगर वो किसी का मेथड ऑफ फॉर्मेशन है तो वो किसी दूसरे कंपाउंड की क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। सर कैसे? मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में एक रिएक्शन करवाई थी कि RX की रिएक्शन आप KOH एक्वस से करवा दीजिए है ना, तो किसका फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन होगा ROH का, यानी कि अल्कोहल। अब देखो ये केमिकल प्रॉपर्टी किसकी हो गई, ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई हैलाइड, इससे क्या बना रहे हो आप, इससे बना रहे हो आप अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का मेथड ऑफ फॉर्मेशन हो गया और हैलाइड की क्या हो गई आपके पास, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे अगर अपन बात करें RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, यानी कि जो GR है, उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, सर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवा रहे हो। GR की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवा रहे हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल का। मीनिंग क्या हुआ कि ये अल्कोहल का तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, पर जो कार्बोनिल कंपाउंड ना चैप्टर आएगा आगे, यानी कि जो टर्म सेकंड का चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड की ये क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपन किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन में रिएक्शन देखते हैं, वो किसी न किसी दूसरे कंपाउंड की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर अपन एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो अपने दिमाग में हमेशा रहेगी कि करना है। ओके, तो अपन क्या कर रहे थे कल कि कार्बोनिल कंपाउंड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा के अपने को अल्कोहल का फॉर्मेशन करना था है ना। कल एक रिएक्शन भी करी थी अगर आपको याद हो तो, कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना, 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना हो तो अपन क्या करेंगे कि यहां पे अपन लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लेंगे अपन? फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई थी अपन ने, RMGX के साथ रिएक्शन करवाई थी। अब अपने को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन सारी है वो किस पर डिपेंड करती है, कि आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे करते। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अपने को पता है हमेशा कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसी तरफ मूव, इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर
उसी तरफ होगा। लाइक यहाँ पे अपने पास क्या है, कार्बन है ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना। आप ये इलेक्ट्रॉन को जो मूवमेंट करवा रहे हैं उसको अच्छे से समझोगे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। किसके साथ करवा रहे हैं, आरएलजीएच के साथ। अब देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, किस मैग्नीशियम की वैलेंसी +2। एक तो आपके पास क्या इसमें प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, -2, और ये भी किसमें होगा, -2। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, +2, ये -1, ये -1, तभी तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पे तो आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा आपके पास पॉजिटिव, इस पे तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे आपके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। अब नेगेटिव चार्ज वाला हमेशा कहाँ जाएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो हमेशा कहाँ जाएगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे। तो आपके पास इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा आर सी एच टू ओ एम जी एक्स, आर सी एच टू ओ एम जी एक्स, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो आप, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा दो, HOH के साथ करवा दो, तो आपके पास क्या आएगा, आर सी एच टू ओ एच प्लस एम जी एक्स ओ एच। तो कौन सा अल्कोहल होगा, ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, कौन सा अल्कोहल होगा बच्चों, आपके पास ये 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। अब एक बात और बताओ आप मेरे को ना, कि यहाँ पर R मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये अपने को पता है मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, तो अगर आप क्या करते हो कि जितने कार्बन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लिए हैं उससे अगर एक कार्बन ज्यादा वाला आपको अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, कि अगर यहाँ पे CH3MgX लेते बट आपको इथेनॉल का फॉर्मेशन करना होता, तो हमेशा किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट कि आपको 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना, देखो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लेंगे फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, लाइक CH3 अपन ने एसिड एल्डिहाइड ले लिया, सी डबल बॉन्ड ओ एच एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, आर एम जी एक्स के साथ, एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी आपने, आर एम जी एक्स के साथ। वही है, आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस चार्ज, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, है ना। तो ये कहाँ चला जाएगा इस कार्बन पे, ये एम जी एक्स कहाँ आ जाएगा आपके पास, इस ऑक्सीजन पे। ओके, तो इंटरमीडिएट क्या आएगा अपने पास, CH3R CH OMGX, है ना, OMG वो वाला नहीं है, ओ माई गॉड वाला ना, यहाँ OMG का मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम हैलाइड बॉन्डेड, CH3 CH R OH, प्लस किसका फॉर्मेशन हो गया, MgXOH, प्लस किसका फॉर्मेशन हो गया, MgXOH का। अगर अपने को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना आ रहा है अच्छे से तो कोई केमिकल रिएक्शन कभी अपनी गलत हो नहीं सकती। यहाँ पे अगर एसिटाल्डिहाइड लोगे तो कितने डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का, अगर फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो कितने डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से जब आप रिएक्शन करवाते हो तो जितने कार्बन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लिए हैं उससे एक कार्बन ज्यादा वाला आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल, उससे
एक कार्बन ज्यादा वाला अपने को क्या मिलेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब देखिएगा, अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना, डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, तो देखो फॉर्मल्डिहाइड ले लिया आपने, तो कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट हो, यानी कि जो एल्डिहाइड है या जो कीटोन है वो क्या होंगे अपने पास, कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। तो अगर अपने को 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो अपन क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे। कौन सा एल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। अपने को 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो अपन क्या करेंगे, एसिड एल्डिहाइड ले लेंगे या कोई भी और एल्डिहाइड। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी अगर आप और दूसरा एल्डिहाइड लेते हो तो कौन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। 3 डिग्री अल्कोहल की बात है, लेट्स टॉक अबाउट द 3 डिग्री अल्कोहल। फॉर द 3 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी रिएक्ट विथ कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये अपने पास क्या होता है, कीटोन। शायद आपको पता कि ये जो ग्रुप है उस ग्रुप को अपन कौन सा ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होती है। इफ अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द बोथ द वैलेंसी ऑफ कार्बन तो उसको अपन क्या कहते हैं, कीटोन। और अगर एक पे हाइड्रोजन हो या दोनों पे ही हाइड्रोजन हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो ये आपके पास क्या आ गया, कीटोन। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी, वापस RMGH के साथ, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ। वही चीजें हैं, बहुत सी सिंपल, मतलब इतनी ज्यादा सिंपल चीजें हैं, अपने को उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। ओनली एंड ओनली क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये अल्काइल ग्रुप कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। ये MGH कहाँ आएगा, इस ऑक्सीजन पे। किसका फॉर्मेशन हुआ देखिएगा, CH3 CR CH3 OMGH। आप आगे किसके साथ रिएक्शन कराओगे, HOH के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 C। यहाँ पे किसका, R CH3 OH प्लस अपने पास क्या आ गया, MGH OH। तो कितने डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो करवाएंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ। 2 डिग्री के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो करवाएंगे एसिटल्डिहाइड के साथ, या एसिटल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड ले, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड, कुछ भी ले लीजिए। हमेशा कौन सा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का। अगर आपको क्या करना है, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाएंगे, कीटोन के साथ। तो व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कीटोन देन इट विल फॉर्म 3 डिग्री अल्कोहल। ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से हैंडल कर दीजिए एक बार अपना। एक और रिएक्शन बताता हूँ जिसमें अपने को क्या करना है कि 1 डिग्री अल्कोहल का ही फॉर्मेशन। यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे कि जितने कार्बन अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में थे उससे एक कार्बन ज्यादा वाला अपने को क्या मिल रहा था, यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन। यानी कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नंबर ऑफ कार्बन 1 ले रहे हो तो जो अल्कोहल मिलेगा वो कितने कार्बन वाला मिलेगा, 2 वाला। अगर 3 ले रहे हो तो कितने कार्बन वाला मिलेगा, 4 वाला। अगर 4 ले रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो कितने कार्बन वाला मिलेगा, 5 कार्बन वाला। बट अगर आपको ऐसा करना हो कि 1 डिग्री अल्कोहल का ही फॉर्मेशन कर, इसका फॉर्मेशन करना हो 1 डिग्री अल्कोहल, बट जो अल्कोहल मिल रहा है आपको उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 2 ज्यादा, कैसे सर? कि मान लीजिए कि अपन ने क्या लिया, CH3 MGH3 मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है बच्चों अपने पास, नंबर ऑफ कार्बन कितना है आपके पास, 100। अब जो अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है उस अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो अगर आपके पास 3 है,
क्या करे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखिए गौर से देखिएगा कि साइक्लिक ईथर के साथ रिएक्शन करवा रहे, सी सॉरी सी यहां पे हो, यहां कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाइड कर लेते यहाँ टू, या फिर इसको सी एच टू ही लिख देते हैं सी एच टू, और इसको भी अपन क्या लिख देते हैं साइक्लिक ईथर के साथ किसकी रिएक्शन करवानी है आपको, अपन सी एच थ्री एम जी एक्स ले लेते। अब देखिएगा चाहे आप इस कार्बन की बात करें चाहे इस कार्बन की बात करें, कहीं पे भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दीजिए, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपन ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए कि इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं इस साइड, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा कि सब नेगेटिव, मैंने कहा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा आपके पास पॉजिटिव, यहाँ इसको नहीं करके इसको कर दो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करा तो यहाँ कौन सा चार्ज आया नेगेटिव, यहाँ कौन सा चार्ज आया आपके पास पॉजिटिव, किसी को कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव यहाँ आ गया और पॉजिटिव यहाँ, यहाँ अगर अपन बात करें तो आपके पास क्या आएगा यहाँ नेगेटिव और एम जी एक्स पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, ओके तो क्या होगा ये नेगेटिव वाला तो इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये पॉजिटिव वाला किससे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो देखिएगा क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एम जी एक्स सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एम जी एक्स। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिए एच ओ एच यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच प्लस अपने पास क्या आ गया एम जी एक्स ओ एच। अब देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आपने कितने कार्बन लिए कि सर वन, प्रोडक्ट कितने कार्बन वाला मिला आपको थ्री कार्बन वाला, यानी कि जितने कार्बन आपने स्टार्टिंग में ग्रिगनार्ड रिएजेंट में लिए थे उससे दो कार्बन ज्यादा वाला टू कार्बन मोर वाला अपने को क्या मिला है प्रोडक्ट मिला है, वो कब मिलेगा जब आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन साइक्लिक ईथर के साथ करवाओ, अब चाहे आप इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाओ चाहे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाओ प्रोडक्ट तो आपको वन डिग्री एल्कोहल ही मिलेगा, तो इससे भी वन डिग्री अल्कोहल मिलता है इससे भी वन डिग्री अल्कोहल मिलता है, बट यहाँ पे जो वन डिग्री अल्कोहल है वो क्या होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन थे उससे एक कार्बन ज्यादा वाला प्रोडक्ट मिलता है, अगर आप साइक्लिक ईथर के साथ करवाते हो तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन है उससे दो कार्बन ज्यादा वाला अपने को क्या मिलता है प्रोडक्ट, क्लियर है बात, अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज करें फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। बस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना सीख लीजिए कोई भी रिएक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है अपने पास कि कार्बोनिल कंपाउंड से ही इनका फॉर्मेशन, कार्बोनिल कंपाउंड से ही इनका फॉर्मेशन करना बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अभी तो अपन क्या देख रहे थे ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स, है ना, कि सर बात तो वही हुई ना ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी रिएक्शन कर रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड से, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, और अपन अगर बात करें कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन, रिडक्शन का मीनिंग क्या हुआ आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करना है आपने, ठीक है ना, तो उसमें क्या आता है देखो फर्स्ट रिएक्शन आती है उसमें बाय कैटालिटिक कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन,
हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या हो गया बच्चों? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड कर किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस। एज ए कैटलिस्ट यहाँ अपन क्या करते हैं, कुछ मेटल्स यूज करते हैं डी ब्लॉक की, लाइक निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, NiPt एंड Pd। तो देखिएगा आपके पास क्या है, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये है आपके पास, है ना, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। आप क्या कर दीजिए, इसका रिडक्शन कर दीजिए, किसकी प्रेजेंस में करेंगे अपन? निकल Pt Pd, निकल Pt Pd, है ना, निकल प्लेटिनम एंड पैलेडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं तो क्या मिले मिलेगा आपने को? CH3 CH2 OH। तो एल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर अपन कीटोन लेते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस, अपन क्या कर देते हैं इसका हाइड्रोजिनेशन कर, किसकी प्रेजेंस में करेंगे? निकल Pt Pd की प्रेजेंस में। तो अपने पास क्या आएगा, CH3 CH OH, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3। तो बच्चों ध्यान में रखना कि अगर आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हो कीटोन की तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, एसिटाल्डिहाइड की कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल। बट अगर अपन हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं कार्बोनल कंपाउंड का, तो रिडक्शन करवाने पर अपने को या तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा या 2 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री, एल्डिहाइड से 1 डिग्री, कीटोन से आपके पास कौन सा आ जाएगा, 2 डिग्री। अपन यहाँ पे ऐसे भी करवा सकते हैं कि किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी रिडक्शन करवा सकते हैं, कि आपके पास क्या हो गया कि कीटोन आ गया, मान लीजिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, है ना, ये हेडिंग सेकंड चेंज हो जाएगी। रिडक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में? आपने करवा दिया NaBH4 की प्रेजेंस में। NaBH4 सर क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा आ जाता है ऑर्गेनिक में? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या है अपने पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसकी प्रेजेंस में देखेंगे तो भी प्रोडक्ट तो अपने पास क्या आएगा, सेम ही आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल ही आएगा। बट यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, प्रेजेंस चेंज कर दी। पहले प्रेजेंस किसकी थी, मेटल्स की, लाइक निकल Pt एंड Pd की प्रेजेंस थी। अब अगर बात करें तो अपन ने किसकी प्रेजेंस कर दी, NaBH4 की प्रेजेंस कर दी, या LiAlH4 की प्रेजेंस कर दी, तो भी अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन। ओके, एक और है, रिडक्शन में ही एक और आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है देखो, रिडक्शन की थर्ड रिएक्शन, हालांकि NCERT में मेंशन नहीं है ये रिएक्शन, कि आप रिडक्शन जो है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, रिडक्शन जो है वो करवा दो Na+C2H5OH की प्रेजेंस में, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, Na+C2H5OH की प्रेजेंस आप रिडक्शन करवा दीजिए। तो Na+C2H5OH की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करवाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बुओ ब्लांक रिडक्शन, उसको क्या कहते हैं, बुओ ब्लांक रिडक्शन कहते हैं इसको। इसमें भी अपने को क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, CH3 CH2 OH, यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और जब कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है वो भी किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल। तो उस रिएक्शन को अपन ने स्पेसिफाइड क्या नाम दिया था, बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। 3 टाइप से रिडक्शन करवाते हैं। फर्स्ट आपके पास होता है कैटालिटिक रिडक्शन। The meaning of catalytic reduction is कि आप कार्बोनिल कंपाउंड का means aldehyde और कीटोन का रिडक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक NiPt और Pd। तो क्या होगा कि फ्रॉम aldehyde 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑब्टेन, एंड फ्रॉम कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑब्टेन, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा। 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कब होगा, जब आप कीटोन की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ करवाओगे, है ना। सेकेंड रिडक्शन कौन सा था,
रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और AlIAlH4 यानी कि लिथियम एल्युमिनोहाइड्राइड, इनकी प्रेजेंस में अगर आप रिडक्शन करवाते हो तो भी आपको क्या मिलता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड से 1 डिग्री और कीटोन से 2 डिग्री। थर्ड अपने पास क्या था, देखो रिडक्शन करवा रहे हैं किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल, या तो 1 डिग्री मिलेगा या 2 डिग्री मिलेगा, बट प्रेजेंस चेंज कर रहे हैं। अब लास्ट रिएक्शन जो थी उसमें अपन ने किसकी प्रेजेंस ले ली, Na+C2H5OH की प्रेजेंस ले ली। तो Na+C2H5OH को अपन क्या कहते हैं, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, क्यों कहते हैं, सोडियम इथोक्साइड है ना, और इस रिएक्शन को अपन क्या कह देते हैं, बुओ ब्लांक रिडक्शन, बुओ ब्लांक रिडक्शन इस रिएक्शन का नाम है। तो ये तीन मेथड है, ये थ्री मेथड्स हैं किससे, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल का फॉर्मेशन करना। तीनों मेथड अगर क्लियर है तो जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए बच्चों, जल्दी। ऐसे ही आप जितने भी अल्कोहल के हायर मेंबर, अल्कोहल से हायर मेंबर, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो किसी के भी रिडक्शन से अपन क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लाइक आप जैसे AlIAlH4 या फिर NaBH4 का यूज करके अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन कराओगे तो भी किसका फॉर्मेशन होगा अपने पास, अल्कोहल का फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये थे आपके पास अल्कोहल के मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कौन कौन से थे, एक तो एल्कीन से, बहुत कम है, बहुत ही कम है, एक तो आपके पास सबसे पहले किसका था, एल्कीन, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से, बस ये चार मेथड है अपने को दिमाग में रखना, ओके। तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन किसके बारे में, फिनोल के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे अपन, फिनोल के बारे में। फिनोल क्या होता है, सबको पता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप आ जाता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, फिनोल, है ना, ये यूं कह देंगे कि इफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग इज सब्स्टिट्यूट बाय द OH ग्रुप देन द कंपाउंड इज नोन एज फिनोल। अब अगर फिनोल की बच्चों अगर अपन बात करें कि फिनोल की कि कैसे फिनोल का फॉर्मेशन होता, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मैंने आपको कहा था अल्कोहल और फिनोल को साथ में लेंगे अपन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, है ना, इसके भी कोई ज्यादा मेथड नहीं है, अपन डिस्कस भी कर चुके हैं पहले इनके जो मेथड थे उनको, दो मेथड तो डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला अपने पास आता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बाय हेलोएरिंग, हेलोएरिन की आप याद करिए कि हेलोएरिन जनरली तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते नहीं, NSR देते नहीं, बट अगर अपन स्पेसिफिक कंडीशन अगर यूज करें तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। तो अगर अपन क्या करें कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, ये अपने पास क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दें, NaOH के साथ, यहाँ NO2 नहीं ले रहा हूँ, यहाँ अगर NO2 लेने लग गया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। मैं फर्स्ट कंडीशन ही ले रहा हूँ कि 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमोस्फेयर पे अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, अब ये तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हो गया ना, जैसे ही अपन NO2 ग्रुप लेंगे तो NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, माइनस एंड इफेक्ट शो करेगा, तो टेम्परेचर आपको कम की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे अगर तीन NO2 ग्रुप ले लिए तो जनरली अगर आप हीट करोगे तो हीट करते ही क्या हो जाएगा कि फिनोल का फॉर्मेशन यानी कि NSR रिएक्शन देने लग जाएगा। अपन क्या कर रहे हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमोस्फेयर प्रेशर की बात करें तो जो ये Cl है इसको कौन रिप्लेस कर देगा, OH, और किसका फॉर्मेशन होगा, आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा फिनोल, इसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास फिनोल का। ये फर्स्ट रिएक्शन थी बाय हेलोएरिन। सर सेकंड की बात कर लो, जल्दी से खत्म करें सर ये रिएक्शन वाले चैप्टर, बाय BDC। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BDC, BDC का मीनिंग क्या होता है, बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोराइड, BDC का मीनिंग क्या होता है, बेंजीन
डायजोनियम क्लोराइड, DDC, है ना। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन भी कैसे होता है ये सब सबको पता है कि सर कैसे। मैंने कहा सैंडमेयर रिएक्शन की बात कर लेते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन रिवाइज करवा रहा हूँ साथ साथ में। सैंडमेयर रिएक्शन क्या था कि एनिलीन की रिएक्शन करवा रहे थे किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से किसका फॉर्मेशन करा अपन ने, हेलोएरिन का, तो वो कौन सी रिएक्शन थी, सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ पे क्या करना है आपने को कि जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, जो BDC है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड शॉर्ट फॉर्म में इसको BDC कहेंगे, ध्यान में रखना। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या कहेंगे, BDC कहेंगे। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप क्या करें, H2O से ही करवा दीजिए बोले ना, वाटर से करवा दीजिए, तो किसका फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन होगा फिनोल का। कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज अपन इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल, और मींस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं कल की क्लास में, ध्यान रखें। ये क्या हो गया आपके पास, फिनोल का फॉर्मेशन। ये दो मेथड हो चुके हैं, फर्स्ट अपने पास ये हेलोएरिन से फॉर्मेशन, और सेकेंड अपने पास क्या था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फॉर्मेशन। हेलोएरिन से क्या करना है आपको, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे अपन ये रिएक्शन करवाएंगे तो फिनोल का फॉर्मेशन है ना। अगर यहाँ पे नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन करना होता तो यहाँ पे NO2 ग्रुप आता, NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, टेम्परेचर कितना हो जाता, कब प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती नहीं, एक NO2 ग्रुप यहाँ और अप्लाई कर लगाते तो टेम्परेचर और कम हो जाता, एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ, नाइट्रो ग्रुप आते, तीन तीन ग्रुप आ जाते, तीन तीन ग्रुप कहते कि इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, है ना। तो जनरली फाइनली क्या होता, फिर यहाँ पे Cl जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, इससे क्या मिलता है आपको, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जनरली हीट करने पर ही रिएक्शन कम्प्लीट हो जाती है ना। BDC का फॉर्मेशन कैसे होता है ये अपने को पता है कि एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, BDC के रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये फिनोल के दो मेथड ऑफ फॉर्मेशन और बाकी जो अपने NCERT में की, एक तो आता है बाय क्यूमीन, एक और आता है बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दो मेथड और हैं, उसके बाद अपन इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्वेश्चन जो बनते हैं दोनों से बनते हैं, फिजिकल से भी बनते हैं, केमिकल से भी बनते हैं, और केमिकल से थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो कल की क्लास में अपन मिलते हैं इनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन के साथ और इनकी एल्कोहल और फिनॉल की प्रॉपर्टीज के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।